श्रीमद्भागवतम की जय। बहुत प्रेमानंद वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्र जातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगन ललिता श्री विशाखानितंश्च नमः ओं विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादी श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद 15वां अध्याय श्लोक नंबर 37 युधिष्ठिर तत्परिसंपर्ण बोधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभानितजिम्य हिसना धर्म चक्र गमनाय पर्जधात। इस श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य किए इसकन संस्थापक आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। महाराज युधिष्ठिर इतने बुद्धिमान थे कि ये कोलिजी के प्रभाव से समझ गए। आवाज कम कर जिसके विशेष लक्षण होते हैं संपूर्ण राजधानी राज्य पर तथा समस्त व्यक्तियों में बढ़ता लालस आलस्य आलस्य भाषण धोखा देना तथा
दिशा के अधिक अधिक का इत्यादि। अतएव उन्होंने समझदारी दिखाने हुए घर छोड़ने की तैयारी की और तत्कानुकूल वस्त्र धारण कर लिए। युधिष्ठिर महाराज रेडी है घर छोड़ने के लिए। क्यों? इसके अगला अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं भगवान धरती छोड़ के गए। भगवान इस धरती पर है नहीं, मतलब हम लोग कभी रहने का कोई सुविधा नहीं है। तात्पर्य, आधुनिक युग कौली के विशिष्ट गुणों के प्रभावित है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दिव्य में दिनों में जिसे लगभग 5000 वर्ष हुए हैं, कौली युग का प्रभाव प्रकट होने लगे हैं और प्रामाणिक शास्त्र के पता चलता है कि अभी कौली युग 4,32,000 क्या लिखा है 23 साल वर्ष और रहेगा। अच्छा बाकी है 4,27,000 वर्ष बाकी है। कौली के जिन लक्षणों को उल्लेख पूर्वार्थ में किया गया है अर्थात लोप आलस्य छल भाई भतीजावाद जिस इत्यादि उनका पूर्व से ही बोलवाता है और इस कोई नहीं जानता है कि जो जो कौली युग का प्रभाव बढ़ेगा, प्रलय होने के तक क्या क्या न होने लगे। हम सब हम जब पूर्व में ही जान चुके हैं कि कौली युग के प्रभाव ईश्वर विहीन तथा कथित सभ्य मनुष्य के लिए है। जो मनुष्य श्री भगवान के आश्रम में है उन्होंने इस भयावह कौली युग से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज युधिष्ठिर श्री भगवान के महान भक्त थे, अतः उन्हें कौली युग के अभ्यतीन होने के आवश्यकता नहीं थे। किंतु उन्होंने सक्रिय गृहस्थ जीवन के विरक्त होकर अपने घर भगवत धाम आपस जाने के हेतु तैयारी करना उचित समझा। क्योंकि पांडव से भगवान के समानता संगी है, अतः यह अन्य किसी वस्तु के अपेक्षा श्री भगवान के संगति हेतु अधिक ललायित रहने थे। इसके साथ ही आदर्श राजा होने के नाते युधिष्ठिर महाराज अन्य व्यक्तियों के लिए आदर्श स्थापित करने हेतु भी भीतर होना चाहते थे। महाराज युधिष्ठिर ने वास्तविक राजा के जो वास्तविक चरित्र है वो सिखाने चाहते हैं, लेकिन आजकल का राजा लोग तो सीखते नहीं। जब तक बुलेट के नहीं मरते तब तक गदी पकड़ रखते थे ना। जब तक सिंगाड़ा में आलू बोलते हैं ना, जहीं गृहस्थी के कार्य के देखने के वाला कोई नवयुवक तैयारी हो जाए तो मनुष्य के चाहिए कि यह आध्यात्मिक साक्षात्कार तक ऊपर उठने हेतु तुरंत गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दे। ये सभी गृहस्थ के लिए भी शिक्षा है। जैसे ही बेटा बड़ा हो जाए, संसार संभालने के लिए तैयार हो जाए, तब संसार छोड़ देना चाहिए। इसे गृहस्थ के अंधकूप में यह तक पड़ते नहीं रहना चाहिए जब तक जमराज आकर जैसे बाहर खींचे निकले। आधुनिक राजनेताओं की महाराज युधिष्ठिर से शैक्षिक वैराग्य लेने के लिए शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और नई पीढ़ियों को अवसर प्रदान करना चाहिए। यही नहीं, सेवानिवृत्ति रिटायर्ड किसी को भी
उसने शिक्षा लेने के चाहिए और इसको पूर्व से मृत्यु के लिए बालपूर्वक घसित होता है, इसने आध्यात्मिक साक्षात्कार हेतु घर छोड़ देना चाहिए। बहुत सारी शिक्षा है, यहाँ प्रभुपाद के तात्पर्य समाप्त है। तो युधिष्ठिर महाराज रेडी है घर छोड़ने के लिए। युधिष्ठिर महाराज के द्वारा ये शिक्षा मिलता है, हम लोग कभी एक दिन ना एक दिन घर छोड़ना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं? कोई कोई लोग पूछते हैं, हमारा हिंदू में कहावत है, जब बुढ़ापा आएगा तब धर्म करना चाहिए, आज से क्यों धर्म में जोड़ना चाहिए? अभी भोग भोगना है, बहुत कुछ खाना है, पाना है, देखना है, सब कुछ करना है। तो साधु लोग इसके उत्तर देते हैं कि घर तो एक दिन ना एक दिन छोड़ना ही होगा, तो पहले से ही छोड़ देना आसान है। तो संसार में लोग घर छोड़ते नहीं, ऑफिस से तो निकाल देते हैं, जैसे 60 वर्ष कितना 60 साल हो जाते हैं, रिटायरमेंट का लेटर आते हैं, आते हैं कि नहीं? उस समय घर से भी निकलना चाहिए। चाणक्य पंडित ने कहा ये पंच श्रद्धम व्रणम व्रजेत, जैसे ही हमारा उम्र 50 साल में आ गए घर छोड़ देना चाहिए। माता जस्य गृहे नास्ति, जिसके घर में माता नहीं है, माता गुजर गई तो पुत्र का कितना साल होगा? माता जब जाएंगे, सर मान लीजिए 50-60 साल हो जाएगा ना। माता जस्य गृहे गृहे नास्ति भार्या च अप्रियवादिनी, जब पत्नी है ना भार्या बोलते हैं, वो अच्छा बात करते नहीं, अच्छा बात करने वाले तो माँ ही है। जब बाहर से आएंगे ना कोई लड़का, पहले माँ ही पूछेंगी, अरे बेटा आ जाओ थोड़ा खा लो, पानी पी लो, खाना खा लो, उसके बाद बात करेंगे। सारा दिन भर इतने परेशानी हुआ, कितना सूख गया तुमने, आओ आओ थोड़ा खा लो, पान कर लो, ये माता का काम है। भार्या क्या बोलती है, कितना पैसा लाए है मेरे लिए, लाए कुछ? लेकिन जब माता जाती है और अच्छा बात बोलने कोई नहीं है घर, इसलिए कहा माता जस्य गृहे नास्ति भार्या च अप्रिया अप्रियवादिनी, भार्या अच्छा बात बोलती नहीं, अरण्य तेन गंतव्य, तब उनको घर छोड़ देना चाहिए, अरण्य जाना चाहिए, वन में जाना चाहिए। क्यों? जथा अरण्य तथा गृहम, अरण्य जैसे गृह जैसे, अरण्य में जब हिंस्र जंतु जानवर होता है ना, घर में ऐसे ही है, अच्छा बात बोलने वाले कोई है नहीं, इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने सिखाया हम लोग को स्वेच्छापूर्वक घर छोड़ देना चाहिए। नहीं तो जो सिस्टर इन लॉ आते हैं ना, ना डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ क्या बोलते हैं हिंदी में, डॉटर इन लॉ बहू, वो पीछे बहू ही पीछे पड़ जाएगी, ऑफिस से तो निकाल दिया, रिटायरमेंट हो गया ना, फिर घर से रिटायरमेंट होना चाहिए, घर से जाते नहीं तो बहू पीछे, बहू और पुत्र दोनों ही पीछे लगे, बुढ़ापा हो गया, कुछ काम धंधा करते नहीं, शुद्ध खाते हैं और पीते हैं, कुछ तो काम करो, कुछ तो काम करना चाहिए है कि नहीं? कम से कम ये तो काम करना चाहिए, हाँ तुम्हारे नाती को कम से कम स्कूल में ले जाना चाहिए, थोड़ा सा कुछ काम करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग तो अपना घर में रहते हैं, जब बहू आते हैं लड़का को शादी होने के बाद, वो अपना घर नहीं, किसका घर, ये घर अपना नहीं है। किसी का पूछिए, माता जी आपके घर में कौन है? है मैं हूँ, मेरे पतिदेव है, छोटा लड़का है, लेकिन सास ससुर भी मेरे पास है। आप सास ससुर के पास नहीं है, सास ससुर
बहू के घर में, ये बोलते हैं हिंदी में, हमारा बांग्ला में तो बहुत बोलते, प्रभु जी आपके घर में कौन है? मैं हूँ, मेरे पत्नी है, छोटा एक बच्चा है, लेकिन पिता माता मेरे पर है, मतलब पिता माता मेरी घर में है, मैं पिता माता के घर में है नहीं। इसलिए भागवतम के भागवतम पढ़िए, शायद जो धृतराष्ट्र के घर त्याग करना था, शायद दशम अध्याय उसमें कहा, भीम ने कहा ना, विदुर ने कहा धृतराष्ट्र को, पर गे हूँ उपासते, धृतराष्ट्र महाराज आप अभी पर के घर में है, अपना घर नहीं है, पर गे हूँ उपासते, पर के घर में है, इसलिए पहले से ही घर छोड़ देना चाहिए। ये भागवतम के समाचार, ये प्रथम स्कंद में बहुत कुछ सीखना है, हम लोग कल चर्चा की थी, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, तीसरा अध्याय तक हम लोग चर्चा की। प्रथम अध्याय में 6 प्रश्न है, दूसरा अध्याय में 6 प्रश्न का 2 प्रश्न का उत्तर दिया है, तीसरा अध्याय में सारी अवतारों की कथा है, अवतार असंख्याय, असंख्य अवतार है। तो अवतार की कथा कहने के बाद सिद्ध गोस्वामी ने कहा, ये सब अवतार भगवान कृष्ण की कला और अंश है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान स्वयं है, और वही कृष्ण कलि युग में भागवतम के स्वर में अवतीर्ण हुए। फिर 4th अध्याय में ऋषियों ने प्रश्न की, वो भागवतम किसने रचना की, क्यों रचना की, किस लिए रचना की, इसके बारे में 3 अध्याय, 4, 4, 5 और 6 अध्याय 3 अध्याय में कथा है। व्यासदेव ने ज्ञान की अवतार है, उन्होंने सब शास्त्र लिखे हैं, वेद पुराण उपनिषद रामायण महाभारत, रामायण यद्यपि वाल्मीकि ने कहा लेकिन व्यासदेव ने वो मतलब हार्ड कॉपी बनाए लिखे। पहले तो शास्त्र ऐसे के किताब के तरफ नहीं था, वो था श्रुति, मतलब सुन सुन के याद करते थे, गुरु से शिष्य सुनते हैं, सुनते थे और शिष्य उनकी शिष्य को सुनाते थे। उसी दिन में इतना ब्रेन, मतलब जो स्मृति शक्ति प्रखर थे, अभी तो दिमाग में कुछ है ही नहीं, हम लोग अपने समझते हैं हमारा दिमाग में कुछ है नहीं, इसलिए गवर्नमेंट भी वो समझते सबों का भाव, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल का पास फेल तोड़ दिया, नहीं नहीं अगर पास फेल रखेंगे तो ये लोग पास नहीं कर पाएंगे, छोड़ो पास फेल करते हैं ना गवर्नमेंट, और हम लोग भी ये अच्छा से अनुभव किया, हमारे दिमाग में कुछ है नहीं, थोड़ा रिकॉर्डिंग करके रख देंगे अगर भूल जाएंगे तो, इसके ऊपर भरोसा है, मोबाइल चिप्स के ऊपर भरोसा है, कंप्यूटर चिप्स के ऊपर भरोसा है, लेकिन अपना ब्रेन में कोई भरोसा नहीं, इतना डिग्रेशन हो गया। इसलिए व्यासदेव ने हार्ड कॉपी बनाए, वेद को लिखे, वेद को 4 भाग में बांटे, फिर 108 उपनिषद बनाए, 18 पुराण बनाए, फिर सोचने लगे अरे ये वेद पुराण उपनिषद कलि युग में कुछ लोग हैं पढ़ेंगे नहीं, इसके लिए हिस्ट्री इतिहास बनाए, रामायण और महाभारत स्त्रीलोक और शूद्र के लिए, चाहे दुनिया में लोग क्या ढूंढते हैं, अगर गीता ले जाएंगे भागवत ले जाएंगे लोग क्या सोचेंगे, हमको आज रामायण है क्या, महाभारत है क्या, क्योंकि कलि युग में वेद पढ़ने का इतना बुद्धिमान कोई है नहीं, इसलिए व्यासदेव ने रामायण महाभारत भी बनाए। महाभारत क्या है, ये महाभारत की सार है, पहला स्कंद महाभारत क्या है, महाभारत है भक्ति पुरुषोत्तम महाराज कहा था, उन्होंने कहा
शुगर कोटेड क्विनाइन, कभी भी ज्वर व्याधि होता है ना, क्विनाइन औषध लेना पड़ता है, क्योंकि क्विनाइन बहुत तीखा है, कड़वा है, लेकिन खा नहीं सकते, पी नहीं सकते औषध, क्या करते हैं उसमें शुगर कोटेड दे, मीठा लगता है, जैसे मुंह में डालते ना मीठा, ठीक है खाओ, लेकिन अंदर हो क्विनाइन ही है। इस प्रकार महाभारत है, महाभारत के भीतर गीता है, अगर महाभारत कहानी पढ़ते 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 गीता भी पढ़ना चाहिए, शुगर कोटेड कोई नहीं, लेकिन महाभारत पढ़ने में गीता के उपलब्धि करना बहुत मुश्किल है, इसलिए साधु लोग गीता को अलग कर दिए, महाभारत से निकल के और एक ग्रंथ बनाए, वो गीता है, 18 अध्याय या 700 श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण का पूरा उपदेश है। तो इतना शास्त्र लिखने के बाद भी व्यासदेव के चित्त में शांति नहीं है, तब गुरुदेव आके कहा, व्यासदेव वत्स, व्यासदेव तुमने बहुत शास्त्र लिख चुके हैं, लेकिन जो लिखना था वो लिखे नहीं, जो कलयुग के मनुष्य को जो शुद्ध करने वाले, पवित्र करने वाले, सुख देने वाले, आनंद देने वाले शास्त्र तुमने लिखे नहीं, भागवतम लिखो, भागवतम सुख मुखदामृतम द्रव संजतम पीवत भागवतम रसमालायम, बिहार में रसमलाई है, रसगुल्ला है, है रसगुल्ला है, रसमलाई है, रसगुल्ला रसमलाई में क्या अंतर है, कौन सा अच्छा टेस्ट है, रसगुल्ला रसमलाई में क्या अंतर है, क्या अंतर है दोनों में, ना हम लोग अभी इस्कॉन में जुड़े, लेकिन बाहर के लोग मिठाई खाते हैं ना, जैसे जैसे मेन मील में नहीं खाते हैं, कोई टिफिन वगैरह स्नैक्स करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को दो टाइम और मैक्सिमम तीन टाइम खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा दो टाइम खाते हैं, सुबह खाते हैं, शाम को खाते हैं और दोपहर में खाते हैं, कभी कभी रसगुल्ला कब आता है, जब फीस्ट बनता है, आते हैं ना, कल हुआ था हम लोग का फीस्ट, चावल दाल सब्जी भाजी नापरा, कितना सारा सब्जी, पनीर का सब्जी, दाल था उसमें, रायता भी था, मिठाई भी था, तो पूरा खाने के बाद दही मिठाई भी आते हैं, कभी कभी पूरा खाने के बाद मिठाई आता है रसगुल्ला, तब पूरा तो पेट भर गया, अभी रसगुल्ला आ गए, हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभु जी थोड़ा रस छोड़ के मेरे को दे दीजिए, रस और गुल्ला दोनों मिल के रसगुल्ला, लेकिन हम लोग क्या खाते हैं, रस छोड़ के गुल्ला खाते हैं, है कि नहीं, जो लोग सर्विस करते हैं ना उनको बोलते हैं अब थोड़ा रस छोड़ के दे दीजिए, पेट भरा हुआ है ना, वो तो जो रस छोड़ते छोड़ते, फिर हम जब खाते हैं रस छोड़ के हम लोग क्या खाते हैं, गुल्ला खाते हैं, है कि नहीं, अगर जब रसमलाई परोस करेंगे आप क्या छोड़ेंगे, क्या खाएंगे, बोलिए पूरा ऐसे लेकर भर के खाएंगे, है कि नहीं, ये रस रसमलाई है, भागवतम क्या है, पीवत भागवतम रसमलाई, ये रसगुल्ला नहीं है, इसके मतलब गीता वेद पुराण इसमें कुछ छोड़ना है कुछ खाना है, ये रसगुल्ला है, लेकिन भागवतम में कुछ छोड़ना नहीं, सभी सब कुछ आपका जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ये रसमलाई है। तो भागवतम लिखो, तो भागवतम लिखना चालू किए, एक श्लोक लिखे, दो तीन नंबर श्लोक है, गदगद हकर कुआ, वही श्लोक, निगम कल्पतरु गलितं फलं सुखमुखदामृतं
द्रव समझुतम। जे भक्त लोग, मैंने एक सुंदर शास्त्र बनाया जैसे नोटबुक। कभी कभी हम लोग क्लास में नोटबुक लेकर लिखते हैं ना, जो चीज़ अच्छा लगता है वो हम नोट करते हैं कि नहीं। उसी मैंने सब शास्त्र का जो मेन नीति है, कथा है, इसके लेकर मैंने एक नोटबुक बनाया जिसका नाम है भागवतम। निगम कल्पतरु, मान लीजिए एक पेड़ है जैसे आम के पेड़, अभी आम लगता है ना, आम के पेड़ मूल है आम, है ना, आम। तो आम अगर जब पाकेंगे, भगवान का भोग चढ़ा के खाएंगे ना, बहुत मीठा लगेगा। लेकिन आम के भीतर जो रस है, स्वाद है, वो रस आम के पेड़ में होगा कि नहीं? आम के पेड़ में है कि नहीं? नहीं है। तो रस कहाँ से आया? आम के भीतर जो रस है वो कहाँ से आया? मिट्टी से पेड़ लेकर आम के भीतर रिजर्व किया है कि नहीं? लेकिन अगर आम खाएंगे तो मीठा लगेगा, अगर पेड़ को चिबाएंगे तो मीठा मिलता है कि नहीं? क्या होगा अगर एक पोर्शन और पेड़ का लेकर आप चिबाएंगे, क्या करेंगे? पूरा जितना भी क्या बोलते हैं दांते हैं ना, पूरा गिर जाएगा। इसलिए जो लोग वेद पढ़ते हैं ना, वो लोग का एक टाइटल आता है वेदांत, है ना, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ऐसे टाइटल सुना है कि नहीं? वेदांत, बहुपद ने कहा वेदांत मतलब मालूम है? वो वेद पढ़ के सब दांत गिर गए, वेदांत, कोई दांत नहीं है, इसलिए उन लोग का नाम है वेदांत। इसका मतलब अगर वेद पढ़ेंगे तो ये रस नहीं मिलेगा। वही श्लोक वेदों में है, वही खता वेदों में है, लेकिन वेद पढ़ेंगे तो, जैसे मान लीजिए दूध में माखन है कि नहीं, घी है कि नहीं? अगर जब दूध पियेंगे माखन के साथ मिलेगा आपको? नहीं, विशेष प्रकार से मंथन करना पड़ेगा, माखन निकलना पड़ेगा, तब खाएंगे तो माखन का स्वाद मिलेगा। उसी प्रकार वेद को मंथन करके एक माखन बना, ये माखन है। गीता है दूत, है ना, गीता महात्म्य कहावत है ना, क्या सुनो जाए, पार्थ वत्स सुधीर भक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। गीता महात्म, गीता है दूत, दूत के तरह। वेद है दधि, चारि वेद दधि, चैतन्य भागवत में कथा है। भागवत नवनीत, भागवत है नवनीत माखन है। मथिलेन सुके खाइलेन परीक्षित, ये माखन है। तो माखन बना के व्यासदेव ने कहा, निगम कल्पतरु गलितं फलम सुख मुखदामृतम द्रवसंगतम पीबतम। आप पीजिए, कब पीजिए? अहो रहो ऋषि का भूमि बाहर, अहो रहो दिन रात भागवतम पीजिए, भागवतम पीजिए। आप अगर रसिक है, ये रस पीजिए। कौन पिएंगे, कौन पिएंगी? भूमि भाव का, भूमि मतलब धरती, पृथ्वी। ये धरती पर जिनका जन्म हुआ वही पीजिए, क्योंकि ये भागवतम न सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयं रस। ये भागवतम सत्यलोक में है नहीं, वैकुंठ में है नहीं, कैलाश में है नहीं, स्वर्गलोक में भी है नहीं, केवल पृथ्वी पर उपलब्ध है। छोड़िए मत, पढ़िए। सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा जस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रय। श्रवण मात्र ही अगर भागवत लेकर पढ़िए, पढ़ना चालू करना मात्र ही भगवान आपके हृदय में आ जाएंगे।
ये भागवतम के साथ भागवतम कथा है। तो लिखने के बाद व्यासदेव ने सोचे, अरे इतना सुंदर मैंने ग्रंथ रचना की। व्यासदेव के मन में इतना आनंद छा गया, लेकिन इतना सुंदर शास्त्र वस्तु किसको दे, धारण करने वाले कौन है? भगवान के पास जाकर भगवान को प्रार्थना की, भगवान मेरे को एक पुत्र दे दीजिए, अपना उनको पढ़ाए, अच्छे से भागवत सिखाऊं, तो वही पुत्र कौन है? सुखदेव गोस्वामी। ये सुख पक्षी है, सुख तोता है। हमारा बांग्ला में एक गाना आता है, सुख और सारी का दंत, हिंदी में है कि नहीं मालूम है। सुख है कृष्ण के पक्ष में, सारी है राधा जी के पक्ष में, दोनों आपस में दिन भर दोनों राधा कृष्ण के गुणगान में लग रहते थे। सुख ने कहा, जानो सरी, हमारा कृष्ण जी हाँ गिरी धरे थी लो, हमारा कृष्ण एक हफ्ता पूरा 7 दिन रात गिरिधर की थी, मालूम है तुम्हारा? सारी ने कहा, हाँ मालूम तो है, लेकिन कैसे गिरिधारण की मालूम है तुम्हारा? कैसे? राधा शक्ति संचारण की, राधा ने शक्ति दिया, इसलिए कृष्ण ने गिरिधारण कर सके। आपस में दोनों राधा कृष्ण भी बोलगा कृष्ण। सारी ने कहा, सुख जानते हो हमारा कृष्ण का जो चूड़ा होता है ना, वो बाहें हिलती है, बाहें। सारी ने कहा, क्यों हिलती है मालूम है? मेरा राधा चरण पावे बोले, राधा का चरण छूने के लिए वो चूड़े हिलती है। दोनों में दोनों गुणगान गुणगान करते हैं, गुणगान। जब भगवान श्री कृष्ण धरती छोड़ के गए, भगवान ने कहा, सुख सारी दोनों तोता है, तुम दोनों रहो। बोले, प्रभु जी आप जाते हैं धरती छोड़ के, हम लोग का क्या काम है? हम लोग भी चले? बोले, नहीं, आने वाली पीढ़ी को सुनाना है, जो तुमने देखा है, जो लीला देखा है, सुना है, सब तुम देख चुके हो, ये पूरा बताना है आने वाली पीढ़ी को। वही सुख रहो गए, वही सुख है, वही तोता है, व्यासदेव के पुत्र बन के आए, वही तोता है। पुराण में कथा है, ये साधु लोग भी चर्चा करते हैं, कैसे तोता व्यासदेव के पुत्र बन के आए। एक बार शिव पुराण में है, एक बार नारद जी पहुँचे कैलाश में। नारद जी के क्या काम है, कल हम लोग चर्चा किए, क्या काम है? झगड़ा करना है ना। पहुँचे पार्वती जी के पास, पहुँच गए, देवी जी कैसे हो, ठीक है ना? बोला, हाँ ठीक है। मेरे लगता है कि तुम्हारा पतिदेव तुमको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करते नहीं, ये चालू होगा। बोले, क्यों? आपस में दोनों दोनों पति पत्नी दोनों से प्यार है, बहुत 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 प्यार है। बोले, नहीं। बोले, तुमको कैसे मालूम पड़ा हम दोनों में प्यार नहीं है? अच्छा, एक प्रश्न पूछूँ, उससे मालूम पड़ जाएगा। एक प्रश्न पूछो तुमको, अच्छा बताओ तो, तुम्हारा पतिदेव के गले में जो हड्डी का माला है, हड्डी माला है, सेंको गोल्ड है, क्या है गले में? हड्डी का माला है। वो हड्डी माला कैसे पहनते? प्रभु जी दुनिया को वरदान देते हैं, दुनिया में लोग कितना धनी भला भला हो गया, अरे हड्डी का माला क्यों पहनते? अच्छा लगता है तुमको? बताओ तो सही, अच्छा लगता है कि नहीं? मुझे नहीं। तो कभी पूछा है तुमने क्यों हड्डी का माला? ले नहीं। तो इसलिए मैंने कहा तुमको इतना, उन्होंने कोई बताया कुछ हड्डी के माला के बारे में? बताया कुछ? मुझे नहीं। तो इसके मतलब है तुमको इतना प्यार करते हैं, ऐसे चक्कर लगा दी। अच्छा ठीक है, आज ही पूछूंगे, आज। फिर आ गई पतिदेव, बोले, एक बात बताओ,
एक जानकारी चाहिए तुमसे। बोले क्या है? तुम्हारा गला में ये हड्डी का माला कैसे क्या है? ये क्यों हड्डी का माला पड़ते? इतना झगड़ा लगा। बोले अरे तुम्हारा क्या हुआ, ये प्रश्न तुम्हारा मन से कैसे आया, कोई घर में आया क्या? हाँ नारद जी आए। बात हो गया नारद, नारद जी। बोले हाँ बताओ तो सही, हड्डी का माला कैसे गला में आ गए? बोले ये हड्डी का माला नहीं है, ये प्यार की माला है। बोले मतलब तुम हर युग में मरते हो, जन्म लेते हो और मरते हो, हम इतना प्यार करते हैं तुमको, तुम मर जाने के बाद तुम्हारा एक हड्डी लेकर पूरा माला बन के मैंने पहन कर, ये तुम्हारा हड्डी है, ये प्यार की माला है।